और भाई हमेशा ना अच्छा नहीं होता अब क्या कहते भंडारे में आके, और भंडारे में जो ये सच बोला गया कि चप्पल चोरी होती है यहाँ पे होती है भाई, भाई की चप्पल चोरी हो रखी है सबके पैरों में, सबके पैरों में भाई के पैरों में है, नंगे पैर घूमना चाहिए, श्रद्धा नहीं है भाई, मजबूरी है, आज मजबूरी है। देखो चप्पल चोरी नहीं होती, जिसको जरूरत होती है वो लेके लेके जाता है, और वैसे भी पुरानी हो रखी थी, नहीं लेके आएंगे शाम को। भाई हमारे यहाँ की मान्यता है जयदाता कुबारा की, कि हमारे यहाँ पे गांव के आसपास के सभी लोग आते हैं, और ये मतलब हमारे यहाँ के कुल देवता जिसको बोलते हैं ना, हम इन्हीं की पूजा करते हैं भाई, तो उन्हीं के उस पर हर 30 मई को भंडारा होता है। तो ये भंडारा जो आपने इतना विशाल भंडारा देखा था ना, ये इन्हीं की तरफ से था, हर साल होता है भाई, 30 लोग नहीं करा ये करा रहे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू बनीवर्स, बनीवर्स में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। यो मेरी दो उंगलियां रह गई थी इस बार, हर बार वीडियो में दिखाता हूं, इस बार नहीं दिखा पाया था, बाइक चला रहा था ना। तो यार देखो अभी मेरे दोस्त ने मेरे को बुलाया है, उस वो करवा रहा है लंगर, और 3-4 दिन पहले से मेरे को इनवाइट कर रखा था, और डेली मुझे कॉल करके कहता था आना है आना है आना है आना है, बट मेरे को लग नहीं रहा था मैं जा पाऊँगा, एक तो जिस हिसाब की गर्मी है, और वो मेरे घर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। तो फिर भी किसी तरह मैंने हिम्मत जुटा के गर्मी के अंदर निकलने की शक्तियाँ बटोरी अपनी, और अब मैं निकल पड़ा हूँ उसके घर की तरफ जाने के लिए। सच्ची कहो यार बहुत तेज़ गर्मी है, मेरे हाथ झुलस रहे हैं, लेकिन क्या करें भाई, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो इसलिए हमको उसके पास जाना पड़ेगा। तो अभी जा रहा हूँ वहाँ, जाके देखते हैं क्या होता है, कैसा चल रहा है उसका लंगर बांटना, हम भी कोशिश करेंगे अगर बटवा पाए तो। वैसे तो इतने पुण्य के काम मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अगर वो कहेगा तो शायद मैं थोड़ा सा बटवा दूँ। वैसे तो मैं बेसिकली खाने के लिए जा रहा हूँ, आई एम बुखड़ काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मेरे लिए तो ज़्यादातर फोकस खाने पे ही रहता है कि भाई खाने को मिलना चाहिए। ये रिक्शे वाला और वो रॉन्ग वे वाला दोनों के दोनों धूम मचा रहे हैं मेरे को छोड़ के। तो अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मैंने कहा मैंने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया, लेकिन ट्रैफिक की वजह से आधा घंटा और दिखा रहा है, तो मैंने आज झूठ बोला बेसिकली देखा जाए तो। तो अभी जा रहा हूँ, बाकी वहाँ पहुँच के आपको दिखाता हूँ कैसा है मंजर। सायोनारा। और देवेश ने बुलाया था भंडारे के लिए, ये रहा वही रहा, क्या कहते हैं इसे भाई? ये 30 मई को होता है हमारे यहाँ पे गांव में, थोड़ा जोर से बोल जय माता दी की तरह। भाई हर साल 30 मई को हमारे गांव में भंडारा होता है, लेकिन 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं हो रहा था ना, तो इस बार ग्रैंड भंडारा है, आपको भी दिखाएंगे अंदर। और ये रही उसकी एंट्री, ये बता रहा मुझे यहाँ देसी घी में बनता है सारा का सारा खाना, अभी खा के देखेंगे। थोड़ा साउंड ज़्यादा है यहाँ, शोर ज़्यादा है ना, वो कोई दिक्कत नहीं, वो इसको कर देंगे हम एडजस्ट। ग्राउंड कवर कर लिया, भंडारे में कभी इतनी बड़ी भीड़ देखी है, मैं इतना बड़ा कभी देखा है। और अभी तो कई लोग चले गए हमारे सामने बाहर गाड़ियाँ देख, ये लोग देवेश जा रहे हैं मीठा पानी लेने, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है ना, एक बार देखो अभी तो नहीं था, मैं खो गया
भाई देवेश के कहने पे आ तो गया हूँ, गर्मी बहुत है और कभी इतने बड़े लंगर को मैंने देखा नहीं अपनी लाइफ में, इतना बड़ा नहीं देखा कि इतनी सारी पब्लिक आ रही हो जा रही हो और सबके लिए पूर्ति है। देवेश ने बताया कि देसी घी में बनता है पूरा प्रसाद, अभी खाएंगे देखेंगे बताते हैं, जब तक आप पब्लिक देखिए। देवेश मुझे ढूंढ रहा था, मैं देवेश को ढूंढ रहा हूँ, नहीं देवेश मेरी लंबी हाइट होने का फायदा कोई भी कहीं से भी ढूंढ लेता है। अच्छा है क्या ये? ये भाई वो है ठंडाई, ठंडाई ठंडाई नहीं नहीं भाई मंदिर है, तभी तो ज्यादा डर लग रहा है, सब ज्यादा बाग मंदिर में मंदिर ठंडी है भाई, बहुत बहुत टेस्टी और ठंडी भी है, पूरी गर्मी निकाल दी इसने अंदर, रुक जा भी है लेकिन अब मैं दोबारा नहीं जाने वाला। ये तीन तीन कहता रह गया, चार तब भी डाल के गया, मैंने कुछ कहा भी नहीं, पांच डाल गया, पांच ही हमें डाल गया, खाओ बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता भाई, इसे कहते हैं प्यार। आगे देखेंगे देख रहे कितनी भीड़ है, और बहुत टेस्टी बना हुआ है, मैंने खुद खाया। देवेश की दोस्त ये देवेश, ये फूडी देवेश बताएगा खाने के अंदर क्या क्या डाला हुआ है, मीट मसाला बताने लगा। ये प्रसाद है, इस पे कोई जज नहीं कर सकता, जैसा है बहुत बढ़िया। देखा आज की इसने पते की बात, अगर ये अभी इसके अंदर कमियां निकालने लगता ना, ये बहुत मार खाता ही, फिर पूड़ियों के साथ इसे तल रहे होते कढ़ाई में। चलो खाते हैं उसके बाद बात करते हैं। सेवादारी लगातार चल रही है, प्रसाद का भोग लगाया जा रहा है लोगों को। मेरे पापा भी आए हुए हैं, देवेश के सारे भी आए हुए हैं, देवेश के दोस्त सेवादारी कर रहे हैं। नाम क्या है इसका? मोहित। मोहित गलत मत समझ, देखो दोस्तों वैसे गलत मत समझना, मेरे को तकरीबन मंदिर में घुसे हुए हो गए हैं 1 से 2 साल, मैं तब से मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं हुआ हूँ, ऐसे नहीं मेरा प्रवेश निषेध है, वैसे ही अपने कामों में इतना बिजी रहता हूँ कि मैं जा नहीं पाता, लेकिन फिलहाल मैं को देवेश ने कहा चलने के लिए तो मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन वो है कहाँ। देवेश की एंट्री लगता है खतरनाक होने वाली है, वो दिख तो रहा है मेरे को, उसके बाल दिख रहे हैं, देवेश नहीं दिख रहा, अगर आप देख सको उस साइड वो ये वाला भाई, ये जो दूसरे आगे से बाल घूम रहे हैं ना, ये देवेश है, दूसरे से बाल घूम रहे हैं ना, ये देवेश है, ये वाला ये वाला ये दूसरे बाल घूमता है। चलो भाई आज अंदर चलते हैं, दर्शन कराते हैं तेरे को, आजा। चलो भाई आज आज मेरा भी मंदिर में प्रवेश हो रहा है, मेरे को ले जाया जा रहा है मंदिर के अंदर, हाथ पकड़ के नहीं, मैं जहाँ अपनी मर्जी से रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता मेरे साथ। ये देवेश का छोटा भाई हाय कर दे भाई, देखा, लेकिन मैं किसी की हाय नहीं लेता भाई। भाई देवेश बताएंगे किन भगवान के मंदिर में आए हैं और क्यों।
भाई हमारे यहाँ की मान्यता है ज्यादातर दोबारा की कि हमारे यहाँ पे गांव के आसपास के सभी लोग आते हैं और ये मतलब हमारे यहाँ के कुल देवता जिसको बोलते हैं ना, हम इन्हीं की पूजा करते हैं भाई, तो उन्हीं के उस पर हर 30 मई को भंडारा होता है। तो ये भंडारा जो आपने इतना विशाल भंडारा देखा था ना, ये इन्हीं की तरफ से था, हर साल होता है भाई। 30 लोग नहीं करा ये करा रहे हैं देखते हैं। घर लेके जाऊंगा मम्मी को, दूंगा मेरी मम्मी बांट के घर में प्रसाद भाई, मैं ठहरा ना आपकी टाइप का। लड्डू 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 हम लड्डू को पाएंगे ना, मेरे साथ धोखा हुआ मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं गोरा हूँ तो पति से पकड़ा दिए, ये भूरा है तो लड्डू पकड़ा दिया। ब्राउन मुंडे ज़्यादा पसंद है भाई लोगों को, गोरे को गोरे पति से मिले और भूरे को भूरा लड्डू। कुछ भी चल रहा है भाई यहाँ, वहाँ क्या चलो एक बार पीछे चलते हैं, पीर बाबा में इतना ज़्यादा नहीं जाता लेकिन फिर भी चलो घूम आते हैं। ऑनलाइन बोलना नहीं चाहिए अभी मेरे चैनल के ऊपर, रीजनल वो आ जाएगी, स्ट्राइक आ सकती है। बाबा बोल ले, सैयद बोल ले, फ्लेवर पे से जाएंगे फ्लेवर पे। अरे उसे पकड़ यार, मेरे हाथ गीले हैं यार, ये चिपचिपी हो जाएगी, दे दियो मुझे। साले जलील प्राणी, हाउ स्वीट ऑफ यू। इसने आधा लड्डू शेयर किया। ओ बहु आ गया, लड्डू तो खा ले भाई, गरम है ना फर्श। पहले जब फॉरेन कंट्री से आए हो इंडिया घूमने, कम से कम 20 से 22 बीघे मेरे इस मंदिर, ग्रीनरी काफ़ी है, क्रिकेट ग्राउंड, जिम, टीटी टेबल और कई भी स्पोर्ट्स यहाँ पे वो भी होता है, क्या कहते हैं, मार्शल आर्ट्स भी होते हैं, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन। तो मार्शल आर्ट्स इंडिया से निकली थी पता है, अक्षय पाजी ले गए थे। वैसे मेरे को तो बताया महात्मा बुद्ध लेके गए थे। कॉल आ गया, कर से कॉल। नहीं चढ़ा दे, अभी थोड़ी देर पहले लगता है और नहीं। मतलब आज ही ओपनिंग हुई है इस वाले मंदिर में ना भाई, 365 डे 24/7 कंस्ट्रक्शन कभी भी बंद नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई रेनोवेशन या कुछ भी नया लगता रहता है। इवन यहाँ के कोई भी आप पौधे देखोगे ना, हर पौधों में वहाँ से बटन चलाते हैं, किसी में पानी नहीं देते, हर एक में मतलब पाइपलाइन बिछा रखी है हर एक पौधे की, ये देख लो दिख रही होगी आपको, कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, मतलब सुबह हर सुबह पानी देते हैं, और ये नहीं है कि मैनुअली देना पड़ता है क्योंकि गार्डन भी बहुत प्यारा, गार्डन वहाँ पे बच्चों का पार्क है, झूले वूले लगे हैं पूरे प्रॉपर वाले, जो बच्चों के आजकल न्यू होते हैं ना लेटेस्ट पार्कों में, हाँ लेटेस्ट, यानी अपग्रेड मंदिर है, अपग्रेड है बिल्कुल। अभी नया बना है वो जिम के साथ वाला जो रूम बना है वो टीटी रूम बना है, और बैडमिंटन का भी नया कोर्ट आया है, पत्थर, दो बैडमिंटन कोर्ट है इंडोर, बैडमिंटन टेबल टेनिस नहीं, बैडमिंटन भी है, दो टीटी कोर्ट है, दो टीटी के टेबल है और बैडमिंटन के भी है, खो खो का भी है, क्रिकेट का प्रॉपर ग्राउंड है हर महीने। मैं इसे अनपढ़ समझा था, ये तो इंटेलिजेंट निकला। अरे नहीं, हर महीने क्या कहते हैं, हर वीक तो मैच होता है हर संडे को,
यहाँ पे मतलब रोहिणी से या कभी नरेला से, नजफगढ़ से, साउथ दिल्ली से टीम आती रहती है। हमारे यहाँ की टीम का हर हफ्ते मैच होता है और हर महीने जो है वो आता है, पिच जो ठीक करने वाले को क्या बोलते हैं, पिच ठीक करता है जो मतलब खराब हो जाए, मेंटेन करता है। हाँ मेंटेन करता है, हर महीने आता है। मेरे को भी नहीं पता क्या कहते हैं, मैंने बस मेंटेन करता है वो भी। मेंटेन ही करता है भाई, हम खेलते नहीं तो हमें पता नहीं। बाकी भाई बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है आसपास, देखा नहीं होगा तुम इतना बड़ा। देसी लोग उसे तालाब कहते हैं। इसने थोड़ा सा पढ़ा लिखा ज्यादा दिखाने के चक्कर में खुद को इसे स्विमिंग पूल घोषित कर दिया। ओवर स्मार्ट पीपल लुक एट यो। आजा ये शिव जी का मंदिर बहुत गंदा लगा मुझे तेरे यहाँ। काफी गोल भी जिस तरह वीडियो बनाते हुए चल रहा हो और लोग मुझे घूर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है फॉरेन कंट्री से आए हो और तू मेरे को इंडिया दर्शन करा रहा है। और यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि मतलब सिर्फ मंदिर है, स्पोर्ट्स पे पूरा ध्यान है। वॉकिंग ट्रैक अलग से है, पूरा 1.5 किलोमीटर का है मंदिर के चारों तरफ से। वॉकिंग का अलग है और रनिंग ट्रैक अलग है, कच्चे वाला जैसे होता है। पता है यहाँ पे ना बोट भी रखनी चाहिए, बोट नहीं है उससे पता क्या होगा, बच्चे फिट रहेंगे बोट चलाने के बहाने। करते हैं प्रस्ताव डालते हैं, अगले साल तक फंड आ जाएगा, 10-15 लाख का फंड आ दिया आने होगा वो भी भंडारे के लिए। उत्तर यार, एक तो नंगे पाँव चलने की आदत इतनी छूट गई है कि हल्के हल्के पत्थर भी चुभते हैं। काफी ज्यादा ही भरा हुआ लग रहा है, इधर पानी ज्यादा हो गया। कितना गहरा होगा ये तालाब बता सकते हैं आप मुझे? भाई पता नहीं, लेकिन तेरे जैसे 5-6 जने खड़े हो जाएंगे। हाँ इस जैसे 5-6 जने खड़े हो जाएंगे। ये कब छपा? अच्छा श्री राधे मंदिर पे छपा ना, वो नास्तिक लोगों को नहीं छाप रहे थे, वो दूर से चेक कर रहे थे कि मैं भी कुछ और बोल रहा था, लेकिन भगवान का नाम लिखा है इनके माथे पे इसलिए मैं चुप हूं। राधे राधे। चलो कल पीछे लेके चलते, चलो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। नहीं करते हैं मैं बोलूंगा आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। नहीं गार्डन दिखाता हूं यार अभी। चलो अभी चल के गार्डन देखते हैं। मेरे हाथ में फिलहाल बहुत तेज दर्द हो रहा है और फिर बैठेंगे ना, तो पहले तो मैं बातचीत करेंगे, फ्रेंड से मिलवाता हूँ फिर। हाँ फिर इसके सहेलियों से मिलूंगा। ठीक है चलो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं थोड़ा सा हाथ को आराम दे दूँ यार, बहुत पेन हो रहा है। ये बन रहा हलवा, मेरे मुंह पानी ये हमारा इंतजार कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये नोवा पैक करवा के लेके जाने के लिए। अभी बैग में रहूंगा, वाटरप्रूफ बैग है मेरा, ऑयल भी लीक नहीं होगा। और भाई हमेशा ना अच्छा नहीं होता अब क्या कहते हैं भंडारे में आके, और भंडारे में जो ये सच बोला गया कि चप्पल चोरी होती है, यहाँ पे होती है भाई, भाई की चप्पल चोरी हो रखी है। सबके पैरों में, सबके पैरों में भाई के पैरों में है, नंगे पैर घूमना चाहिए, श्रद्धा नहीं है भाई, मजबूरी है, आज मजबूरी है। देखो चप्पल चोरी नहीं होती, जिसको जरूरत होती है वो लेके लेके जाता है। और वैसे भी पुरानी हो रखी थी, नहीं लेके आएंगे शाम को, इसी बहाने बजट बढ़ गया। बहुत बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, दिख ही नहीं रखा है ना, दबा रखा है मट्टी में, मटके में दबा के घर के नीचे घर बना दिया, घर टूटेगा नया बनेगा जब वो मटका टूटेगा। चलो चले